नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा जिले के त्योथर तहसील के अंतर्गत चाक घाट मध्यांचल बैंक के खाता धारक पर सुहागी बैंक प्रबंधक के द्वारा अनावश्यक रूप से खाता होल्ड कर जमकर मनमानी की जा रही है। प्रार्थी रमेश प्रसाद द्विवेदी से मिली जानकारी के अनुसार चाक घाट के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में उसका खाता संचालित है, जहाँ इलाज के लिए चेक के माध्यम से पड़ोस में ही 87,000 रुपए उधार पैसा लिया था, परंतु प्रार्थी को बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है और चाक घाट बैंक के द्वारा सुहागी बैंक से खाता होल्ड करने की जानकारी दी गई है। वहीं प्रार्थी ने आगे भी बताया कि सुहागी बैंक के प्रबंधक द्वारा उस समस्या पर अभद्र व्यवहार करके बच्चों का लोन का पैसा भरने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं प्रार्थी ने यह भी बताया कि सभी बच्चे अलग अलग रहते हैं। प्रार्थी का कहना है कि सभी बच्चे अलग अलग रहते हैं, वह बैंक जिनको पैसा लोन दिया है उनसे वसूली करें, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। वहीं मामले में पत्रकार की टीम चाक घाट मध्यांचल बैंक में पहुंचकर सच्चाई जानने का प्रयास की तो उनके द्वारा सुहागी बैंक के प्रबंधक के द्वारा खाता होल्ड करवाने की जानकारी दी गई, जिस पर आज बुधवार करीब 2:30 बजे सुहागी बैंक पहुंचने के बाद बैंक बंद मिला। बैंक बंद होने से इसके संबंध में जब आसपास जानकारी एकत्र की गई तो बुधवार को बैंक नहीं खुलने की जानकारी मिली, जहां पर फोन पर बैंक प्रबंधक सुहागी पीएल हिड़ाऊ से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीटिंग का हवाला दिया व अन्य मध्यांचल बैंकों के बंद होने की भी जानकारी दी गई। बैंक प्रबंधक ने खाता होल्ड के संबंध में कहा कि 2 बच्चों के करीब 4 लाख रुपए बाकी हैं, वह मोबाइल नंबर रमेश द्विवेदी का दर्ज है और इसीलिए पैसे जमा करें व बच्चों को जमा कराने के लिए बोले। वही अब सवाल ये उठता है कि क्या मोबाइल नंबर दर्ज होने से ऋण की जिम्मेदारी रमेश द्विवेदी की है अथवा बैंक प्रबंधक सच में मनमानी पर उतारू हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दुकान अथवा अन्य संस्था पर उधार लेते वक्त यदि बैंक प्रबंधक का मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया जाए तो क्या ऋण एवं उधार की वसूली मध्यांचल बैंक प्रबंधक सुहागी पीएल हिड़ाऊ से होगी? क्या मीटिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक बंद रखने हेतु निर्देशित किया या फिर स्वयं प्रबंधक झूठ बोल रहे हैं, ये जाँच का विषय है। रमेश प्रसाद द्विवेदी, ग्राम चंदई। समस्या ये है कि हमारा जो है तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक चाक घाट शाखा चाक घाट में खाता है, वहाँ पर हमने अपने पड़ोसी से कर्ज के रूप में चेक के माध्यम से पैसा लिया, हमारे खाते में जमा किया गया। तो वहाँ जो है तो जब पैसा निकालने हम गए तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आपके बैंक खाते में सुहागी के ब्रांच मैनेजर ने होल्ड लगा दिया है, तो आप वहाँ पर जाइए तभी आपका होल्ड हटेगा। तो मैं यहाँ पर आया सुहागी बैंक में, तो यहाँ पर मैनेजर ने जैसे कुत्ते को खदेड़ दिया जाए इस प्रकार से हमको बोले कि नहीं तुम्हारे बच्चों के नाम से कर दे, जबकि बच्चों का हमारा बंटवारा हो चुका है, बच्चे के नाम से अलग खाता है, अलग ज़मीन उनके नामों से है, उनसे हमको कोई लेन। तो बोलते हैं मैनेजर ने बोला कि आप अपना मोबाइल नंबर तुम्हारा ऐड है उनके खाते में, मोबाइल नंबर ऐड, इस कारण हम पैसा जो होल्ड कर दिए हैं। जहाँ जाना हो चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ चाहे कोर्ट में जाओ, जहाँ जाना तुमको चले जाओ और हम होल्ड नहीं हटाएंगे, जो करना हो करो। पैसा दवाई के लिए, हमारे हार्ट के हम मरीज हैं, तबीयत हमारी अस्वस्थ रहती है 1 साल से, दवा करवाते हैं इलाहाबाद दवा करवाते हैं, तो अपने पड़ोसी से हमने कर्ज के रूप में लिया था तो उन्होंने नकद पैसा नहीं दिया, चेक माध्यम दे दिया, वो चेक वहाँ लगा दिए। आज सुहागी बैंक में आए तो आज यहाँ ताला लगा हुआ है, बैंक मैनेजर पता ही नहीं है, यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, लगभग 3:45 बजे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।